नमस्कार दोस्तों, भारत में राजमा चावल के तो लोग दीवाने होते हैं। टेस्ट के साथ साथ ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। इसे खाने से शरीर पुष्ट रहता है। कहते हैं सोया उत्पादों में प्रोटीन अधिक होता है, लेकिन राजमा प्रोटीन की खान है। इसमें सोया उत्पाद से भी ज्यादा अधिक प्रोटीन है। राजमा खाने में स्वादिष्ट लगने के साथ ही यह सेहत का भी खजाना है। दिल और दिमाग की सेहत बनी रहने के अलावा राजमा के सेवन से शरीर में ऊर्जा भी बनी रहती है। राजमा या रेड किडनी बीन्स बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं जो बच्चों की बढ़ती उम्र के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये स्वादिष्ट नरम होते हैं, जिसे बच्चे आसानी से चबा सकते हैं। इसे आप ग्रेवी वाली सब्जी के अलावा सलाद, सूप, पराठे व मिक्स वेज के रूप में भी अपने घर वालों को खिला सकती है। हर बार कुछ अलग बनाने से आपके घर वाले बोर नहीं होंगे व स्वाद लेकर खाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, राजमा अच्छी तरह पका हुआ होना चाहिए, नहीं तो ये पेट दर्द का कारण बन सकता है। तो आइए राजमा के अन्य महत्वपूर्ण फायदों के बारे में जानते हैं। मस्तिष्क के लिए असरदार। राजमा खाने से दिमाग को बहुत फायदा होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन के पाया जाता है, जो कि नर्वस सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। साथ ही ये विटामिन बी का भी अच्छा स्रोत है, जो कि मस्तिष्क की कोशिकाओं के लिए बहुत जरूरी है। ये दिमाग को पोषित करने का काम करता है। भरपूर ताकत का स्रोत। राजमा में उच्च मात्रा में आयरन मौजूद होता है, जिस वजह से ये ताकत देने का काम करता है। शरीर के मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा के लिए आयरन की जरूरत होती है, जो राजमा खाने से पूरी हो जाती है। साथ ही ये शरीर में ऑक्सीजन के सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। पाचन क्रिया में सहायक। राजमा में उच्च मात्रा में फाइबर होते हैं, जो पाचन क्रिया को सही बनाए रखते हैं। साथ ही ये ब्लड शुगर के स्तर को भी नियंत्रित करने में मददगार होता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम खत्म करता है। इसमें मौजूद फोलेट की मात्रा दिमाग के काम करने की क्षमता को बढ़ाने के साथ ही उसे दुरुस्त भी रखती है। मैग्नीशियम की मात्रा माइग्रेन जैसी गंभीर समस्या में राहत दिलाती है। हफ्ते में एक बार इसका सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। कैंसर से बचाव। राजमा में मौजूद मैंगनीज एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। यह फ्री रेडिकल्स को डैमेज होने से रोकता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद विटामिन के की मात्रा सेल्स को बाहरी नुकसानदायक चीजों से बचाती है, जो कैंसर का मुख्य कारण होते हैं। कैलोरी की प्राप्ति। राजमा में जिस मात्रा में कैलोरी मौजूद होती है, वो हर आयु वर्ग के लिए सही होती है। आप चाहे तो इसे करी के अलावा सलाद और सूप के रूप में भी ले सकते हैं। ऐसे लोग जो अपने वजन को नियंत्रित करना चाहते हैं, उनके लिए लंच में राजमा का सलाद और सूप लेना फायदेमंद रहेगा। नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा। विटामिन के की पर्याप्त मात्रा ब्रेन के साथ ही नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। राजमा में मौजूद थियामिन की मात्रा दिमाग की क्षमता बढ़ाती है। इससे अल्जाइमर जैसी बीमारी दूर रहती है और याददाश्त भी बढ़ती है। फाइबर की उचित मात्रा। राजमा में उच्च मात्रा में फाइबर होते हैं, जो पाचन क्रिया को सही बनाए रखते हैं। साथ ही ये ब्लड शुगर के स्तर को भी नियंत्रित रखने में मददगार होता है। इम्यून सिस्टम मजबूत बनाए। राजमा में सिर्फ फाइबर और प्रोटीन ही नहीं, बल्कि काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं और फ्री रेडिकल से इसे मुक्त रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स में एंटी एजिंग तत्व भी पाए जाते हैं। शरीर की सफाई। राजमा खाने से शरीर के अंदर मौजूद गंदगी बाहर निकलती है, क्योंकि इसमें मॉलिब्डेनम पाया जाता है, जिसका काम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। साथ ही कई प्रकार की एलर्जी को दूर करने के साथ ही सिर दर्द जैसी समस्या को भी कम करता है। हड्डियों की मजबूती के लिए। कमजोर हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी का कारण होती है। मजबूत हड्डियों के लिए कैल्शियम और मैंगनीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, जिसे राजमा खाकर पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ही राजमा में फोलेट की मौजूदगी होमोसिस्टिन लेवल को कंट्रोल करती है, जो हड्डियों के टूटने की मुख्य वजह होती है। ब्लड शुगर कंट्रोल करें। राजमा में घुलनशील फाइबर पाए जाते हैं, जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करते हैं। राजमा प्रोटीन का भी बहुत अच्छा स्रोत होता है। ये दोनों ही मिलकर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं।
कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण करने में सहायक। राजमा में उच्च मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित करने का काम करता है। मैग्नीशियम की मात्रा दिल से जुड़ी बीमारियों से लड़ने में भी सहायक होती है। हाइपरटेंशन कम करने में सहायक। राजमा पोटेशियम और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत होता है, साथ ही इसमें फाइबर और प्रोटीन भी पाया जाता है। ये सभी दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व माने जाते हैं। पोटेशियम और मैग्नीशियम रक्त वाहिकाओं में घुल जाते हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो आसान हो जाता है। एनर्जी से भरपूर। आयरन की भरपूर मात्रा लिए राजमा बॉडी को एनर्जी भी प्रदान करती है। इसके अलावा मैंगनीज की मौजूदगी भी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके एनर्जी बढ़ाने का काम करती है। राजमा में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। आयरन शरीर का मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा बढ़ाने का मुख्य सोर्स होता है। इससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन भी काफी बढ़ जाता है, इसलिए व्यक्ति खुद को ऊर्जावान महसूस करता है। इसलिए राजमा को आप अपने खाने में जरूर शामिल करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने राजमा के फायदों के बारे में जाना। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।